दोस्तों आजकल हर किसी को लोन चाहिए, चाहे वो कम पैसे कमाने वाला हो या फिर ज़्यादा पैसे कमाने वाला हो। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है वहीं पर ही सबसे ज़्यादा अपराध होता है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन लोन फ्रॉड्स किस तरीके से होते हैं और आप कैसे इनसे बच सकते हो। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को पहले से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल लेडीज़ ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अभी जो फिलहाल चल रहा है वो है ईएमआई मॉरिटेरियम का फ्रॉड। अब इसमें हो क्या रहा है, आप सभी को पता होगा आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दिया था जहां पे इनका कहना ये है कि जो लोग ईएमआई लिए हैं वो 3 महीने के लिए ईएमआई को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसमें जो स्कैमर्स है या फिर जो हैकर्स है ये क्या कर रहे हैं, ये फ़ोन कर रहे हैं आपको और आपको बता रहे हैं कि वो बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं और अगर आप ईएमआई को शिफ्ट करना चाहते हो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी बैंक डिटेल्स दीजिए, फिर आपके मोबाइल फ़ोन में एक ओटीपी आएगा, आप उनके साथ शेयर कीजिए। जब भी आपको कोई ओटीपी मांगता है मतलब आप समझ लो आप फ्रॉड का शिकार बन चुके हो। तो ऐसे करके वो ईएमआई मॉरिटेरियम का नाम लेकर दोस्तों फ्रॉड कर रहे हैं और आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरीके से खाली कर रहे हैं। कोई भी स्कैमर या फिर फ्रॉडस्टर बहुत ही आसानी से आपका फोन नंबर किसी डार्क वेब से ले लेता है। आपका फोन नंबर लेना ये कोई मुश्किल काम दोस्तों नहीं है। इवन आप कई बार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आपने लोन लिया है उसके बारे में आप पूछते हो या फिर आपको अगर लोन चाहिए आप वहां पर जाकर पूछते हो। मेरी कई सारी वीडियोस पे लोग कर पूछते हैं कि मुझे लोन चाहिए, तो हैकर्स या फिर स्कैमर्स जो होते हैं इनको आसानी से उनका नंबर मिल जाता है, उसके बाद वो उनको ट्रिक करके फंसा देते हैं अपने जाल में। कोई लोन से फ्रॉड 3 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि किसी रेप्यूटेड कंपनी का नाम लेकर फेक एजेंट्स आपको अप्रोच करने वाले हैं, तो इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। जो फेक एजेंट्स होते हैं ये किसी बड़ी कंपनी का नाम लेंगे और बताएंगे कि हम वहां से कॉल कर रहे हैं, आपको अगर लोन चाहिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आपके साथ बहुत आसानी से बात करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे तो आपको पूरी तरीके से उन पर भरोसा हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे आपकी डिटेल्स ले लेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हम आपको चेक दे रहे हैं, वो चेक को स्कैन कर देंगे, वो सर्टिफिकेट को स्कैन कर देंगे, फिर आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ मेरे पास ये चेक आने वाला है। फिर वो क्या करेंगे, एक फेक कोरियर वाला रिसिप्ट आपको दिखा देंगे और आपको बताएंगे कि हमने ये चेक आपके घर भिजवा दिया है, आपको भरोसा हो जाएगा। फिर आपको वो पूछेंगे हमको कुछ प्रोसेसिंग फी चाहिए, हमको कुछ सपोर्ट फी चाहिए, तो आप 500 या फिर 1000 रुपया, कई बार आप 2000 रुपया भी दे देते हो। आपको लगता है कि मेरे पास तो इतनी बड़ी रकम आएगी, मेरे पास तो बहुत बड़ा लोन आने वाला है, तो मैं उसको 500 या फिर 1000 रुपया प्रोसेसिंग फी दे दे रहा हूँ। जब आप दे देते हो उसके बाद वो आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और आपका कॉल उठाता नहीं है, तो इसके जरिए फ्रॉड होता है। अब सेकेंड फ्रॉड के बारे में बात करते हैं जो है फेक आइडेंटिटी पर्सनल लोन फ्रॉड, जिसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है, मतलब आपकी जो पैन कार्ड डिटेल से, आधार कार्ड डिटेल से और आपकी जो फोटोग्राफ है उसके जरिए एक फर्जी बैंक अकाउंट बना दिया जाता है। वंस एक बार बैंक अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद होता क्या है, जैसे सैलरी अकाउंट में पैसे आने लगते हैं उस तरीके से हर महीने वहां पर पैसे डाले जाते हैं। तो नॉर्मली एक बैंक अकाउंट को जैसे मेंटेन किया जाता है उस अकाउंट को उस तरीके से मेंटेन किया जाता है, तो उससे पर्सनल लोन भी लिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए वो जो बैंक अकाउंट है उसका जो फिजिकल एड्रेस है वो आपका है, स्कैमर का नहीं है। तो स्कैमर क्या करता है, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देता है, उसको लोन मिल जाता है, उसके बाद वो कॉल वगैरह लेना बंद कर देता है, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर बैंक जब अप्रोच करती है वो आपको अप्रोच करती है, आपके फिजिकल एड्रेस पर जाती है। कई बार आपको बैंक फोन करती है और आपको बताती है कि आप ईएमआई पे कीजिए, लेकिन वो ईएमआई जो है वो स्कैमर लेता है। तो ये है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब तीसरे फ्रॉड के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है फेक इंस्टेंट पर्सनल लोन फ्रॉड। अब इसमें होता क्या है कि आपको मैसेजेस के जरिए या फिर व्हाट्सएप टेक्स्ट के जरिए मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए 5 मिनट में तो आपको इस नंबर के साथ संपर्क करना पड़ेगा। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस लोन एप्लीकेशंस के ऊपर बनाई है जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए अच्छी है। बहुत सारे लोगों को ये एप्लीकेशंस अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एप्लीकेशंस उनको लोन प्रोवाइड नहीं करती है। आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो वो एप्लीकेशंस फिलहाल लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं करती है, तो इसलिए सिर्फ गिने चुने लोग जो होते हैं उनको ही ये एप्लीकेशन जो है ये लोन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन उसके नीचे बहुत सारे लोग स्पैम मैसेजेस देते हैं, वहां पे लिखते हैं कि अगर आपको लोन चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। तो उसी के बारे में मैं आप सभी को अभी बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, आपको सिर्फ बताते हैं, उसके बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करने बोलेंगे, उसके बाद आपको दोस्तों बताएंगे कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जब आप वो ओटीपी दे देते हो तो एक तरीके से वो हैक कर देते हैं। अभी मैं आप सभी को कुछ पॉइंट्स बताने वाला
वाला हूँ जो आपको अप्रोच कर रहा है और बोल रहा है कि आपको लोन प्रोवाइड करेगा, अगर उसमें कोई एक भी पॉइंट आपको नजर आता है तो मान लो कि वो 99% फ्रॉड है। पहला पॉइंट है नो क्रेडिट स्कोर चेक। अगर आपको कोई बोल रहा है कि वो बिना क्रेडिट स्कोर को चेक किए आपको लोन प्रोवाइड करने वाला है, वो आपकी पेमेंट हिस्ट्री नहीं देखेगा, सिबिल स्कोर नहीं देखेगा, तो वो 99% फ्रॉड होगा दोस्तों। कोई भी ऐसा नहीं जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या फिर क्रेडिट स्कोर चेक किए बिना आपको लोन प्रोवाइड करेगा। सिर्फ NBFC एप्लीकेशंस जो कि मैंने आप सभी को पिछली वाली वीडियोस में बताई है, वही एप्लीकेशंस आपका क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करती है, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वो चेक करती है कि 3-4 महीने से क्या क्या ट्रांजेक्शंस हुए हैं, उसके बाद ही आपको वो लोन प्रोवाइड करती है। और ऐसे में वो पहले 800 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया या फिर 2000 रुपया देने के बाद ही वो चेक करेंगे क्या आपके पास वो क्षमता है कि आप उनको रीपे कर सकते हो, उसके बाद ही आपकी लिमिट को वो बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बोल रहा है आपको वो 20,000, 25,000, 50,000 रुपए दे देगा बिना सिबिल स्कोर को चेक किए, तो 99% दोस्तों फ्रॉड ही होगा। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है लीगली नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है और आपको बता रहा है आपको वो लोन प्रोवाइड करेगा, आप देखिए गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा वो रजिस्टर हुआ है या फिर नहीं है। अगर रजिस्टर नहीं हुआ है तो वहां से आप लोन मत लीजिए। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं नो फिजिकल एड्रेस। अगर आप उनसे पूछते हो कि आपका ऑफिस एड्रेस क्या है, अगर वो जवाब नहीं दे पाता है तो 99% वो फ्रॉड ही होगा। फिजिकल एड्रेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है एडवांस पेमेंट। अगर आपको लोन अप्रूव होने से पहले कोई एडवांस पेमेंट मांग रहा है या फिर प्रोसेसिंग फी मांग रहा है लोन अप्रूव होने से पहले, तो 99% वो फ्रॉड होगा। तो एडवांस पेमेंट के बारे में आप सोचिए ही मत। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है अट्रैक्टिव ऑफर्स। अगर आपको कोई ऑफर देने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको बोल रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है, अभी आप लोन लीजिए, प्रोसेसिंग फी कम होगी या फिर आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 99% वो फ्रॉड होगा। आप बैंक के साथ पहले बात कीजिए, वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही ये ऑफर्स देती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट ए सिक्योर्ड वेबसाइट। इसका मतलब क्या होता है, जिस भी वेबसाइट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप ऊपर लेफ्ट साइड पे देखिए वहाँ पे ताले का निशान है या फिर नहीं है। ताले का निशान मतलब क्या होता है, HTTPS, वहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है या फिर नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ HTTP लिखा हुआ है, ताले का निशान नहीं है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब ये है जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो पासवर्ड आप दे रहे हो, जो यूज़र नेम आप दे रहे हो, बैंक डिटेल्स आप दे रहे हो, ये कोई भी हैकर आसानी से प्लेन टेक्स्ट में पता लगा सकता है। मतलब वो प्लेन टेक्स्ट में ही जा रहा है, कोई भी वो पता लगा सकता है। आप जरूर देखिए वो ताले का निशान है या फिर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है फोन पे बात करते वक्त आप कभी भी ट्रांजेक्शन मत कीजिए। अगर आपको कोई बोल रहा है, आप उनके साथ फोन पे बात कीजिए, साथ ही साथ आप ट्रांजेक्शन कीजिए, इसका मतलब हो सकता है आप फ्रॉड का शिकार बनोगे, तो ऐसा कभी मत करना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है गूगल फॉर्म पे कभी भी लोन रिलेटेड कुछ भी फिल मत कीजिए। मतलब बैंक डिटेल्स हो, OTP हो, कुछ भी गूगल फॉर्म पे फिलअप मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अगर आपको कोई QR कोड को स्कैन करने के लिए बोल रहा है तो वो 99% फ्रॉड ही होगा। अगर आपको कोई बोल रहा है लोन को सैंक्शन होने के लिए आपको QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, इसका मतलब आप समझ लो QR कोड आप स्कैन कर रहे हो, मतलब आपके पैसे उसके पास जा रहे हैं। तो QR कोड को कभी भी आप स्कैन मत कीजिए अगर आप लोन रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो। फिलहाल इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद आप सेफली दोस्तों कुछ भी काम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.